नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैन। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की नई टीम में 117 नामों का ऐलान किया गया है। वहीं नई टीम के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि नई कार्यकारिणी घोषित होते ही पार्टी के भीतर विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। कांग्रेस कार्यकारिणी में इंदौर के नेता प्रमोद टंडन को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कार्यकारिणी में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। हालांकि सियासी गलियारों में अब ये चर्चाएं हैं कि प्रमोद टंडन किसी बड़े पद की मांग कर रहे थे, जो कि उन्हें पार्टी की तरफ से नहीं दिया गया। इस वजह से उन्होंने ये फैसला कर लिया है। वहीं कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कार्यकर्ताओं को नेताओं को पार्टी के लिए काम करने का मन है तो स्वाभाविक है कि जातीय समीकरण, नेताओं, कार्यकर्ताओं की उम्र, क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है। मैं ये मानता हूं कि और भी पार्टी के लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं, उनका एहसास मुझे और दोनों पार्टियों को है। ऐसे में जो बेहतर हो सकता था वही हुआ है। वही और भी जो हमारे पार्टी के लोग काम करना चाहते हैं उन्हें आगे अकोमोडेट किया जाएगा। युवा नेताओं को मौका देने के सवाल पर जीतू पटवारी ने कहा, राजनीति में संतुलन जरूरी है, यूथ की एनर्जी भी जरूरी है और सीनियर नेताओं की सूझबूझ की भी आवश्यकता पड़ती है, तो दोनों को बैलेंस किया गया है। जीतू पटवारी ने बताया कि नकुलनाथ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में शामिल है। वहीं कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सालूजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो शेयर कर कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस की 10 माह बाद घोषित कार्यकारिणी की सूची जारी होते ही बवाल शुरू हो गया है। इंदौर से प्रमोद टंडन ने इस्तीफा दे दिया है। जीतू पटवारी ने कई नेताओं के साथ खेला किया, इसमें जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के समर्थकों की भरमार है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वहीं कमलनाथ, अरुण यादव जैसे नेताओं के समर्थकों के नाम सूची से पूरी तरह से गायब हैं। जहां इस सूची में दिग्विजय सिंह और उनके बेटे का नाम है कांतिलाल भूरिया और उनके बेटे का नाम है अरुण यादव और उनके भाई का नाम है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का नाम भी सूची में नहीं है। वहीं कई सीनियर नेताओं का कद घटा दिया गया है। ऐसे में इंदौर और भोपाल में बवाल मचना तय है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस के अंदर जो ये सियासी लड़ाई चल रही है और जिस तरह से फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, उससे क्या मध्य प्रदेश में पार्टी बिखरती हुई नजर आएगी, क्या भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आएगी और किस तरह से बयानबाजी का दौर यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।